लिखिए, महोदय आज बांग्लादेश का युद्ध भारत के विरुद्ध युद्ध बन गया है। इससे मुझ पर, मेरी सरकार पर और भारतवासियों पर महान दायित्व आ गया है। अपने देश को युद्ध स्तर पर रखने के अलावा हमारे सामने अब और कोई विकल्प नहीं है। हमारे बहादुर जवान और अधिकारी अपने देश की रक्षा के लिए पूरी तैयारी के साथ मोर्चे पर डटे हैं। सारे भारत में आपात स्थिति की घोषणा कर दी गई है। हर आवश्यक कदम उठाया जा रहा है और हम हर तरह की स्थिति का सामना करने को तैयार हैं। इसमें संदेह नहीं कि यह हमारे समस्त देशवासियों का संकल्प है कि इस क्रूर और अकारण हमले को निर्णायक तरीके और अंतिम रूप से विफल कर दिया जाए। इस संकल्प हेतु सरकार को सभी राजनीतिक दलों और भारत के हर नागरिक का पूरा पूरा और असंदिग्ध समर्थन प्राप्त है। हमें लंबे समय तक कष्टों और बलिदानों के लिए तैयार रहना चाहिए। हम शांति प्रिय लोग हैं, किंतु हम जानते हैं कि जब तक हम लोकतंत्र और अपनी जीवन पद्धति की रक्षा नहीं करते, तब तक शांति नहीं बनी रह सकती। अतः आज हम केवल अपनी भूमि की रक्षा और अखंडता के लिए ही नहीं, बल्कि उन बुनियादी आदर्शों के लिए लड़ रहे हैं जिनसे देश को बल मिला है और जिनके आधार पर ही हम सुखमय भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। समाचारों के अनुसार आज प्रातःकाल पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार ने हमारे विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी है। कल शाम पश्चिमी पाकिस्तान की वायुसेना ने हमारे आकाश का अविवेकपूर्ण उल्लंघन किया और हमारे बहुत से हवाई अड्डों पर हमला किया। इसी के साथ उसकी स्थल सेनाओं ने पश्चिमी क्षेत्र में हमारी चौकियों पर गोलीबारी की है। उसके प्रचार माध्यमों में पूरी तरह तथ्यहीन आरोप लगाए हैं कि भारत ने उस पर आक्रमण किया है। यह सूचना मुझे कलकत्ता से चलते हुए मिली थी। यहाँ लौटते ही तुरंत मैंने अपने साथियों और विरोधी नेताओं के साथ विचार विमर्श किया। हम सब एकमत थे और सबका सर्वसम्मत संकल्प था कि आक्रमण का मुँह तोड़ उत्तर दिया जाए। मुझे विश्वास है कि आने वाले कठिन समय में भी हम इसी ताकत की एकता की भावना से काम करेंगे। आपात स्थिति की घोषणा कर दी गई है। हमें अत्यधिक अफसोस है कि पाकिस्तान ऐसे समय अपनी गलती और दुखदाई कदम से बाज नहीं आया, जबकि इस उपमहाद्वीप की सबसे अधिक आवश्यकता विकास की है और ऐसे समय
भारत और पाकिस्तान की जनता को युद्ध में धकेल दिया है। हम अच्छे पड़ोसी के नाते रह सकते थे, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों का अपने भाग्य का निर्णय करने में कभी कोई हाथ नहीं रहा। संकट की इस घड़ी में हमारे मन में आत्मविश्वास और निष्ठा का ही भाव सर्वोपरि है। पश्चिमी पाकिस्तान की सैनिक शासन द्वारा बांग्लादेश में स्वतंत्रता और बुनियादी मानव अधिकारों को पैरों तले रौंदते 9 मास से ऊपर हो गए। वहाँ पर सेना ने और क्रूर अपराध किए हैं।